चौथे नंबर पर हम विरासत की तकसीम करेंगे। ये तीनों मरहला पूरा हो गया तो और माल बच गया अभी, तो ये चौथे मरहले तक हम पहुंच गए और माल बचता रहा तो क्या करेंगे, उसके जो वारसीन हैं उनको देख के उनमें तकसीम करेंगे। लेकिन इस पे जो चौथा मरहला है, इस पर अमल करने से पहले, इन तकसीम विरासत विरासत को तकसीम करने से पहले चार चीजें कंफर्म करना जरूरी है, चार चीजें कंफर्म होनी चाहिए, उसके बगैर ये अमल नहीं हो सकता। ये मैंने आपको बताया, ये तरक्का के मसारिफ, ये चार इसी तरतीब से, हाँ इसी तरतीब से। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो चौथे मरहले में अगर हम पहुंच गए विरासत को तकसीम करना है, तो इससे पहले हमें चार चीजें कंफर्म करनी जरूरी है। पहली चीज क्या, सबसे पहली चीज ये देखेंगे कि भाई विरासत के सारे अरकान पाए जाते कि नहीं। विरासत की तकसीम तभी अमल में आ सकती है जब विरासत के सारे अरकान मौजूद हों। विरासत के अरकान मतलब पिलर, जिनके बगैर तकसीम विरासत का कोई तसव्वुर ना हो, और ये कुल तीन होते हैं। नंबर एक मुवारिस, नंबर दो वारिस, नंबर तीन तरका। अरकाने विरासत, अगर इन तीन में से कोई एक ना हो तो विरासत की तकसीम कैसे हो सकती। जैसे मौरिस नहीं है, यानी कोई मरने वाला ही नहीं है, तब तो इस सब का कोई तसव्वुर ही नहीं है। और मरने वाला है, इतना सब कुछ उसने छोड़ा है, हाँ ये सब करने के बाद भी माल उसका, चौथे मरहले पर आने के बाद भी माल उसका बचा है, लेकिन कोई वारिस नहीं है उसका, तो कैसे तकसीम करेंगे। वारिस है ही नहीं तो कैसे तकसीम करेंगे। या फिर ये कि तरका बचा ही नहीं, उसके पास तरका ही नहीं है, माल ही नहीं, तो कैसे। तो ये इस मरहले पे आने से पहले तीनों चीजें होनी चाहिए। मौरिस है तो रहेगा, जब हम ये सब मरहला तय करेंगे तो उसका मतलब मौरिस है। लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद ये भी हो सकता है कि कोई वारिस ना हो, तो वारिस नहीं रहेगा तो तकसीम नहीं हो सकती। तरका भी नहीं, कुछ है भी नहीं, या था लेकिन सब ऊपर ही खत्म हो गया, तो यहाँ पर नहीं हो सकता, तकसीम नहीं हो सकती। तो इसलिए ये कंफर्म होना जरूरी है कि विरासत के सारे अरकान पाए जाते। इसके बाद